मैं चैनल डॉग एंड गर्ल लवर। तो आज हम आए हैं खेत में और अभी हम खेत से अंदर जाएंगे। और आज जैसे जो होते हैं शराद, उनके बाद जो मावस आती है तब हम खेत में आते हैं, तो आज इसलिए हम आए हैं। और आज हमें रास्ते में पूरे दो सांप दिखे हैं, मैं कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं उसी टाइम स्टार्ट करने वाली थी और हमारे सामने से निकला है। तो गाइज आज आपने मेरा मतलब मैंने आपने मेरा खेत तो देख लिया होगा, खेत जो है ये सारा मैंने आपको पहले दिखा दिया, लेकिन आप देखिए कितने बड़े हो गए हैं। ये मैंने पिछले अपना जो माय विलेज व्लॉग था उसके अंदर दिखाए हैं और ये अब बड़े हो गए हैं। मैं वहीं पे आई हूँ वापस, यहाँ की मैं कम क्लिप दिखाऊंगी क्योंकि हम इसके बाद रोहतक जाने वाले हैं। और रोहतक में हम जाएंगे अपना, क्योंकि ये जो खेत है ना यहाँ से पूरे 8 किलोमीटर कुछ ऐसा ही पड़ता है रोहतक, तो वहाँ हम जाएंगे और खाना खाएंगे गाइस। तो ओके गाइस, तो अब सब लोग आ गए, अब हम चल रहे हैं। तो मैं आपको और सामने का दिखाती हूँ, खुद को छोड़ के तो गाइस यहाँ पे सांप है तो थोड़ा डर भी लग रहा है। देखिए गाइस ये में डर बैठ गई बाल कर सांप है, सांप है। उछल उछल के जा रहे हैं, दो हम वो बोलेगी पूजा उन्हें महाकाल के भक्त बन रही है, उसको नहीं दिखना चाहिए। सांप के अंदर शक्ति नहीं, हमारे अंदर कहां से है। क्यों रहे हो भाभी, मैं तो नहीं डर रहा। हम उसे मारने आ रहे हैं कि उससे बच के खुद भाग रहे हैं। वो भी देख लेता है ना, सांप को ये भी ना पता, सब नजर आ जाते हैं उन्हें। एक चीज और बता रहे तुम्हें, ज्ञान की चीज, जो गर्भवती महिला होगी ना वो सामने आया वो अंधा हो जाता है, पता है मुझे। हाँ तो बस, तो तुम अपनी भक्ति में नजर रखो। गर्भवती गर्भवती नहीं हो तो उसको उसको बता रहे हो कि अंधा हो और यहाँ से अब मैं थोड़ा आगे चलूंगी। फील्ड देखिए, ये गेहूं की फसल है, ये है गेहूं की फसल, गेहूं की नहीं, आई थिंक चावल की। हाँ ये चावल, मुझे तुझ में आप में लग, चावल की फसल है गाइस ये पूरी। और देखो पापा कहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ से चावल की खेती हो रखी है यहाँ पे। चावल की मुंह के चावल की बात कर रही है, चावल चावल। गाइस हम चले जा रहे हैं। पिछली बार आए थे गाइस बिल्कुल भी जगह ही नहीं थी, और चलिए अब चलते हैं फटाफट। मैं तो कभी आई नहीं जिम, आया तो मुझे ही है। आइए चलिए गाइस, चावल की फसल इतनी सुंदर और हरी हरी लग रही है, लेकिन यहाँ पे भी चावल सामान कितना ढाकर आज अमीर जगह रोटी ये फलाना ढकड़ा। चलो एक आरा पड़ जाओ, अंजू में जैसे आप चिल्लाई हो ना उस टाइम मेरा भी फिसला है पैर। चलो ये दे, मेरे को गैल लेके पड़ेगी, एक ही पड़ गया, सारे को पड़ रहे हो। आराम से गाइस, मैं यहाँ पे कैमरा बंद कर रही हूँ क्योंकि हम गिर भी सकते हैं, इसलिए हम आ चुके हैं अपने खेत में, हमने एंटर कर लिया है। हम वहां से आए, देखिए ये जो घास है ना पीछे रास्ते, वहां से आए, ये जो रास्ते इधर से, और ये देखिए इधर भी चावल की खेती है जिसे धान बोला जाता है। तो हमने खाना वाना खा लिया है, मतलब यहाँ पे खाना नहीं खाया है, मतलब दो दो पूरी थी सबकी, वो खा लिया। खाना तो हम कहीं और ही खाएंगे, एक एक पूरी थी सबकी और सबने वो खाई है, और पूजा वूजा हो गई है। और अब हम चलेंगे गाड़ी के पास, तो गाइस फटाफट चलते हैं। तो चलिए
चलो एक काम करते हैं, अपने रास्ता तो देख लिया होगा, पैर तो छोड़ गए, तो हम ना एक मैजिक से चलता है। मैं यहाँ पे कूदूंगी और मैं कार के पास पहुंच जाऊंगी। 1 2 3 तो गाइस पहुंच रहे हैं गाड़ी के पास मैजिक से। जिनको नहीं पता है मैजिक कैसे करते हैं, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है, मैं पूरा पीछे से चल के आई हूँ। और यहाँ पे अभी हमने पानी पिया है बहुत सारा, यहाँ पे नलका भी है। हमारे हैं पार्क में, चलिए फटाफट पार्क है। ये देखिए आई सी यू, अब मैं आपको टूर देती हूँ। वाओ मानव मारूंगा बहुत तुरे ना जा, मतलब ये पूरा पार्क है यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा है, पीछे तक है वहाँ जो कि पीछे तक है वो बाज के देख वहाँ नाड़ी। तो हम हैं यहाँ पे खेलने वाले थोड़ी देर, वहाँ चलो उसके नीचे बैठ। तो गाइस उधर चलेंगे, तो गाइस अब हम खाने वाले हैं ये और स्प्राइट पीने वाले हैं। मानव लेगा, मैं कोक पी रही थी, कोक नहीं स्प्राइट पी रही थी सबके साथ। और गाइस कसम से इतना सुंदर पार्क है, जो क्रिसमस वाले ट्रीज होते हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी तो मैं आपको दिखाऊंगी इस पार्क के अंदर और क्या है, क्योंकि अभी तो हमारी पिकनिक बन रही थी और मैं नंगे पैर घूम रही हूँ उस घास में, क्योंकि गाइस नंगे पैर यहाँ पर मुझे मज़ा आ रहा है घूमने में। और सीमा उन्हें भी नंगे घूम रहे हैं, इसलिए नंगे नहीं मतलब नंगे पैर। आप बताओ मुझे कमेंट में आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पसंद है, या अगर आप मुझे बता दो तो कि आपको कौन सी पसंद है तो मैं करूँगी एक चैलेंज, जो जो मतलब कम से कम 40 लोगों को बताना है, फिर तो उसके बाद मैं एक चैलेंज करूँगी कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड। गाइस भाग गया, गाइस भाग गया, आपको फिनिश करके मतलब मिलती हूँ, नहीं तो सारी पूरी वीडियो इसे पीने में चली जाएगी। मैं जी देखना चाहते हो गाइस, खाएगा थम, उनको भी खिला दे यार, हो गया। ओके अब मैं चल रही हूँ यहाँ से, यहाँ तो धूप है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पूरा धूप है। मान पापा बुला रहा है, अब मैं चप्पल पहनूंगी। ओके तो अभी ग्लास डस्टबिन में फेंक रहे हैं, तो अभी कभी ऐसे पार्क में जाओ तो डस्टबिन में ही फेंकना। अब मैं आपको यहाँ की चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे कितनी बड़ी मोमबत्ती लगी हुई है, लगता है नरेंद्र मोदी यहीं पे आते होंगे अपना बर्थडे मनाने। वर्ल्ड बिगेस्ट कैंडल, हम पार्सल कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं तपस्या होटल। अब हम आए हैं मिलन ढाबा, मिलन ढाबा पे आए हैं। ये देखिए हम तपस्या पे नहीं गए, ऐसे ही हमारा मिलन ढाबा पे आने का मन था, तो मिलन पे आए क्योंकि हम तपस्या होटल तो आप जाते होंगे जहाँ बड़ा बड़ा पराठा मिलता है, तो वहाँ हम कई बार चले गए थे, आपको तो पता है हम हरियाणा के और हम आते रहते हैं तो हम खा के जाते रहते हैं। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, आज का ब्लॉग मुझे लग रहा था ऐसे बहुत लंबा बन गया है, लेकिन ये वाला ब्लॉग 2 पार्ट में नहीं बटेगा, ये वाला एक ही पार्ट में रहेगा। तो गाइस अब हम उससे आगे जा रहे हैं, ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, मतलब ये जो एंट्रेंस है मैं आपको एंट्रेंस दिखाती हूँ। देखिए ये है हाथ धोने का,
हाथ डालो ऑटोमेटिक हो। यहाँ पे ये साइकिल है टाइप, मतलब ये डेकोरेटिव आइटम्स है एंड अंदर फैमिली का है, लेकिन हम फैमिली में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम हमेशा बाहर बैठ के ही खाते हैं। आपको पता होगा हम इससे पहले में गए थे, हम बाहर बैठ के ही खाते हैं। अरे मैं जाता हूँ टेरेस देखा होगा, टेरेस मतलब यहाँ का बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है और हम सुबह के लिए हैं और हम पेट भर खाना अभी खाएंगे। और मैं आपको टाइम बताती हूँ, आई थिंक टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 1:34। और अब हम पेट भर खाएंगे, मतलब हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब पीछे टीवी भी है एंड ये है कुछ, अरे दिखाई दी, देखिए यहाँ पे इस तरह से बिस्लरी की बोतल दी जाती है और इसके चार्जेस हैं। यहाँ पे ये साइकिल है टाइप, मतलब ये डेकोरेटिव आइटम्स है एंड अंदर फैमिली का है, लेकिन हम फैमिली में नहीं जा रहे क्योंकि हम हमेशा बाहर बैठ के ही खाते हैं। आपको पता होगा हम इससे पहले में गए थे, हम बाहर बैठ के ही खाते हैं। अरे मैं जाता हूँ टेरेस देखा होगा, टेरेस मतलब यहाँ का बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है और हम सुबह के लिए हैं और हम पेट भर खाना अभी खाएंगे। और मैं आपको टाइम बताती हूँ, आई थिंक टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 1:34। और अब हम पेट भर खाएंगे, मतलब हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब पीछे टीवी भी है एंड ये है कुछ, अरे दिखाई दी, देखिए यहाँ पे इस तरह से बिस्लरी की बोतल दी जाती है और इसके चार्जेस हैं। यहाँ पे पनीर पराठा, तो मैं आपको टेस्ट करके बता दूँ इसका टेस्ट कैसा है। और फिर मैं खुद से शूट कर रही हूँ, मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, बैठ के खाना ठीक, तो मैं दही के साथ खाती हूँ, हम मजा टेस्ट पर ठीक है, मैं बैड है और ज़्यादा गुड है, ठीक ठाक है, थोड़ी मिर्च कम है मेरे हिसाब से, मैं आपसे ही खा के मिलता हूँ। तो खाना खा लिया, हर्षी माना बहुत खा लिया, और ये है तो उसके बाद हम चले। यहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं लगा और अभी सब लोग पाव भाजी खा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मैंने पेट भर के है मेरा। और अब हम लोग घर चलेंगे, ओके, तो पहले सब खा लें फिर हम घर चलेंगे एंड मैं आपको घर तक का व्लॉग दूंगी और लास्ट में देवी के साथ व्लॉग एंड करूँगी, ओके। तो मैं आखिरकार घर पहुँच गई हूँ और ये रहा मेरा डूजू। गाइस ये मेरा इंतज़ार कर रही थी, ओली आके मेरे पास हो गया है अभी। और जैसे डैजू को आप देख सकते हो, वो मस्त आता हुआ यहाँ लेट रखा है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। डैजू चलो बोलो, आज डैजू भी बोलेगी थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, ठीक।